को लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का अपने चैनल नियो अमित में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत कर देते हैं आप सभी लोग, पूरा बनारस मेरे को सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू। और मजे की बात यह है कि आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि महादेव को घाटों पे देखा गया है। तो मेरा जो चैनल है बिल्कुल हर एक चीज़ को एक मैं तह तक जाऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ का क्या माहौल है, क्या नज़ारा है, क्योंकि मेरी यात्रा ही चल रही बनारस से गंगा घाट, पावन गंगा घाट जो अगला पार्ट है हमारा। मैं आज की डेट में वहीं पर खड़ा हूँ, बिल्कुल हरिश्चंद्र जो घाट है मैं वहाँ तक आपको पार्ट वन दिखाया था, और दूसरे पार्ट में मैं उसी जगह इस समय खड़ा हूँ। और मैं आज मैं क्वेश्चन का पता लगाऊंगा, क्योंकि हमारी व्यूवर्स हैं लक्ष्मी महादेवी जी, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा था, दो बार उनका कमेंट आया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर क्यूरियसिटी जगी है, उन्होंने जानने की कोशिश की हमारे बनारस को। तो हमारा प्रयास रहेगा आज मैं ढूंढूंगा कोई किसी न किसी से मैं पता करूंगा कि आप वाकई में क्या यह खबर सही थी, बिल्कुल क्या है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, इस बारे में बिल्कुल हम लोग जानेंगे। और इस समय मैं करेंट में खड़ा हूँ उसी हरिश्चंद्र घाट पर जहाँ पार्ट वन आपको मैंने दिखाया था, पार्ट वन वहाँ तक मैंने स्टॉप किया था, और आगे का नज़ारा बिल्कुल मैं अभी लेके चलूँगा आपको। तो चलिए आइए यात्रा करते हैं बनारस की गंगा घाट की, और मैं खोजेंगे उस सवाल का आंसर, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कोई बात है तथ्य तो आएगा सामने निकल के, जो होगा देखा जाएगा, सामने चलते हैं देखते हैं। थैंक यू बनारस, आइए चल। तो गाइज ये हरिश्चंद्र घाट है और आगे की यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ भारत विकास परिषद एवं नगर निगम यात्री विश्राम स्थल है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की यात्रा, आइए चलते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है घाटों का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे पहले पार्ट में। वीडियो कुछ हमारी लंबी हो गई थी जरूर से, बट मेरा पूरा प्रयास रहेगा कम से कम, बट हमारी बनारस की शानी निराली है कि वीडियो लंबा हो ही जाता है, कितना भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर एक मोमेंट इसमें हर एक जगह कण कण में शंकर है भाई, हर जगह मंदिर का मैं प्रयास करता हूँ, जो भी यहाँ की परंपरा है मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बने रहो, देखते रहो, मेरा चैनल पूरा आपको दिखाएगा। ये सामने बजरंगबली का मंदिर, हमारा चैनल पूरा दिखाएगा गंगा घाट का नज़ारा और हर एक मंदिर के बारे में बातचीत किया जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हो ये विजयानगरम घाट है बनारस का अगली कड़ी में, और बिल्कुल और एक केदारेश्वर मंदिर है, आप देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कैमरे को थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ये केदारेश्वर मंदिर है यहाँ पे, आप यहाँ आते हो तो यहाँ दर्शन कर सकते हो, बिल्कुल लंबी लंबी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनी हुई है, और आप देख सकते हो मंदिर का नज़ारा अति सुंदर। ये नज़ारा घाटों का, और किस तरह से देखिए यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल को अपने ठीक ठाक करते हुए, जो यहाँ के मल्लाह लोग हैं जो यहाँ पे चलाते हैं नाव, मछली पालन के इनका रोज़गार का साधन है, बिल्कुल ये करते हैं और बहुत ही अच्छा है, इनके व्यापार का साधन भी है ये। तो गाइस देख लिए बनारस की बात ही कुछ और है, जहाँ देखिए पूरा नज़ारा मंदिरों से, हर एक जगह मंदिर, घाटों का नज़ारा कितना अच्छा मनोरम दृश्य है, और ये नाव जैसे मैंने उधर दिखाया था नाव, उसी तरह से नाव यहाँ देखी हुई लगी पड़ी है और पर्यटकों को घुमाती हैं, कुछ नाएँ वहाँ देखिए पर्यटकों को नज़ारा दिखा रही हैं घाटों का। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखिए दर्शक कितना बढ़िया नज़ारा, और बिल्कुल महात्मा जी बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, तो गाइस ये है राजा घाट, आप देख सकते हो बिल्कुल फॉरेन पर्यटन जो हैं कस्टमर आते जाते रहते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल भव्य नज़ारा राजा घाट वाराणसी। चले गए आगे चलते हैं,
तो गाइस ये आगे का नजारा, नमामि गंगे पांडे घाट। आर्टिस्ट फॉर सेल लगा हुआ है। तो व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आपके सामने गंगा का नज़ारा और स्टीमर पे यात्रियों को घुमाते हुए। और ये बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पे बेची जा रही है, जिनको ज़रूरत पड़ी वो ले सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। आई चलिए गाइस मैं देखता हूँ, और हमें ढूंढना है कि हाल फिलहाल क्या महादेव को घाटों पर घूमते हुए देखा गया था। तुम्हारी नज़र खोज रही है ऐसे महात्मा को, जो कोई मिले जिनसे हम बात कर सकें कि ऐसा क्या बिल्कुल सत में संभव हो सकता है या नहीं। इसकी जानकारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कोई। और चलते चलते हम यहाँ पर आए हुए हैं दशाश्वमेध महादेव घाट के पास मंदिर, बिल्कुल मंदिर है दशाश्वमेध घाट। ये आपके सामने दशाश्वमेध घाट, विश्व प्रसिद्ध जो आरती गंगा की यहाँ होती है, शाम के समय होती है। अपने अगले ब्लॉग में बिल्कुल आपको दिखाऊंगा पूरी आरती का नज़ारा, दर्शन जरूर कराऊंगा। और इस समय हम हैं दशाश्वमेध घाट वाराणसी, गंगा किनारे बसा हुआ एक रमणीक सुंदर घाट दशाश्वमेध। और विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, जिनको भी माँ गंगा की आरती के लिए, पूजा पाठ के लिए सामान फूल मालाएं लेना हो वो यहाँ से, इनके घाट के पास ही दुकानें लगी हुई हैं, आप ले सकते हैं, ले सकते हो दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पे एक भी मंदिर बना हुआ है, और यही भी जो स्थान है यहाँ पे आरती होती है, जो ये टाइल्स ये लगे हुए हैं, जो चौकियां बिछी हुई हैं यहीं पे, और ये झंडा बिल्कुल भव्य नजारा। आप सभी लोगों के सामने ये यहाँ का भव्य नज़ारा, प्राचीन हनुमान मंदिर भी है एक यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक महात्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल भव्य नज़ारा दशाश्वमेध घाट। और यहाँ आरती की तैयारियाँ हो रही हैं, शाम की आरती होती है सायंकाल की यहाँ पे, विश्व प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा है नज़ारा। और मैं आपको हमारे ब्लॉग में बिल्कुल दिखाई देगा, और मैं पूरा का पूरा आरती का एक वीडियो आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। एक मंदिर है काशी खंडोत भरेश्वर महादेव, और बिल्कुल लोग आरती की तैयारी करते हुए, शाम की आरती जो होती है बिल्कुल भव्य नज़ारा काशी। और यहाँ पे घाटों के निर्माण की निर्माणाधीन है, कुछ ऐसे टूटी हुई जो सिलाएँ थी उनको बढ़िया से बनाया जा रहा मजदूरों द्वारा। ये रिवर पुलिस डिस्ट्रिक्ट वाराणसी जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी संभालती है दशाश्वमेध घाट की, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घट सके यात्रियों पर्यटकों के साथ। और बहुत बहुत ही लोग का धन्यवाद, ये लोग 24 घंटा 24 है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो यहाँ पे रिवर पुलिस डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है लगी रहती है यहाँ की सेवा में, हमेशा पर्यटकों की सेवा में, यहाँ की देखरेख में लगी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को भी देना चाहिए कि ये 24 घंटे ये लोग सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को, जो यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत बहुत मदद करती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 24 आवर यहाँ पे बिल्कुल लगी रहती है सुरक्षा व्यवस्था में।
नाव के द्वारा भी और प्रशासनिक रूप से हर प्रकार की उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि जल में कोई किसी प्रकार घटना ना हो पाए और पर्यटकों को यहाँ घाटों पर किसी प्रकार की घटना ना हो पाए, इसलिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सैल्यूट है उन पुलिस वालों को जो 24 घंटे लगे रहते हैं हमारी सुरक्षा में। चलिए गाइस आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये आगे का नज़ारा और हम लोग धीरे धीरे किसी महात्मा की खोज में कि जो उस क्वेश्चन का, उस प्रश्न का उत्तर दे सके हमें, क्या हाल फिलहाल घाटों पे महादेव को देखा गया था। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में घाटों का नज़ारा दिखाते हुए आप सभी लोगों को, और बहुत ही सुंदर दृश्य। और यहाँ पे महात्मा लोग बैठे हुए हैं, धुनी रमाए हुए बिल्कुल। महादेव, और ये पुरानी नाव जो यहाँ जो जर्जर हो चुकी थी यहाँ रख दिया गया है, मतलब ये भी एक प्रथा को दिखाते हुए कि ये काफ़ी साल, 40 साल 50 साल की पुरानी नाव होगी कम से कम, देखने से जैसे लग रहा है, इसलिए वहाँ पर रख दिया गया कि ये प्रथा है यहाँ की। नाव से जो भी यहाँ का व्यापारी जो यहाँ पर्यटकों को घुमाया जाता है और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा आय का साधन बना है। नाव पे घुमाना फिराना ये लोग के लिए अच्छा साधन है। तो माँ गंगा जो गंगोत्री से निकली है और बंगाली खाड़ी तक गिरी जा रही है, मिल रही है वहाँ खाड़ी में, इस बीच उन्हें बहुत सारे लोगों को रोजगार, पशु पक्षियों को भोजन, सारी व्यवस्था खुद माँ गंगा कर देती है। इनके जल से बहुत सारी सिंचाइयाँ होती हैं, खेतों में पानी मिलता है, और जहाँ जहाँ प्रमुख घाट हैं गंगा किनारे, जैसे इलाहाबाद में है, बनारस में है, आगे भी बहुत सारे घाट हैं, जगह जहाँ जहाँ गंगा जा रही हैं वहाँ वहाँ एक कल्चर, एक संस्कृति बनाती हुई जा रही हैं, और जाके बंगाली खाड़ी में जहाँ गिरती हैं वहाँ भी एक गंगा सागर के नाम से वहाँ भी प्रसिद्ध है। तो भविष्य में मैं आपको बिल्कुल गंगा सागर की भी यात्रा कराऊँगा और दिखाऊँगा वहाँ का भी नज़ारा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिलहाल तो हम अभी ढूंढ रहे हैं ऐसे किसी महात्मा को जो हमारे इस सवाल का जवाब दे सके। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे। तो गाइज हम अभी समय पहुंच गए हैं जो मणिकंका घाट है, जहां पार्वती जी का जब वो हुई थी, सती हुई थी, वहां मणि इनका यहां पे गिरा था, इसी घाट के नाम से मशहूर हुआ ये मणिकंका घाट। देखिए किस प्रकार से यहाँ चिताएँ जल रही हैं, और ये मोच का धाम है, जिस प्रकार से वहाँ पे मिच्छ का धाम था हरिचंद्र घाट पे, बिल्कुल यहाँ भी वही मान्यता है। और वहीं पे देखिए कितनी प्रकार से जो भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है, दाह संस्कार किया जा रहा है, लोगों के परिजन यहाँ पे आके अपना, बाहर के लोग जो लोग होते हैं अपने आसपास के क्षेत्र के, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि काशी मोच की नगरी है और यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, और सारे संस्कार करते उनके आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष को प्राप्ति होती है। तो गाइस चलिए आगे का नज़ारा दिखाते हैं, और आगे मैं दिखाऊंगा आपको काशी करवट, जो मंदिर बिल्कुल जो है ऊपर कुछ भाग है, नीचे बहुत सारा भाग है, मैं उसका कुछ वीडियो को कोशिश करूंगा लेने का, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का आपको। पहले आगे चलते हैं, देखते हैं जो घाट का, मणिकंका घाट का है उसका नज़ारा। तो यहाँ पे आप लोग नज़ारा देखिए, आप देख सकते हो अभी जब तक मौसम सही रहता है गंगा का जलस्तर नीचे तक रहता है, तो चिता का जो भी दाह संस्कार होता है वो नीचे की तरफ होता है गंगा के आसपास,
और जब बारिश की बढ़ जाती है, बहुत पानी भर जाता है, तो ऊपर बनाया गया व्यवस्था, उस जो आप बड़े बड़े पोल देख रहे हो उसमें व्यवस्था की जाती है और वहीं पर दाह संस्कार किया जाता है। राजा देव बलदेव दास बिरला पिलग्रिम सीड आप देख सकते हो। ये मणिकंका घाट की गली है, आप देख सकते हो। यही रास्ता है जो सीधे नीचे घाट पे जाता है। मणिकंका घाट वाराणसी। अरे भाई कर कर कहने अपन गई जाता। आइए गाइस आपको दिखाते हैं काशी करवत। इससे पहले मैं सोचता हूँ कि काशी आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल मैं गंगा का पावन जल स्पर्श कर लूँ और आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। आइए चलते देखते हैं, पहले चलते हैं गंगा का जल स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद फिर काशी करवत की यात्रा में कराता हूँ, दिखाता हूँ काशी करवत। तो गाइस थोड़ा सा आप होल्ड करो, मैं जल स्पर्श कर लूं, फिर आपको मैं काशी करवत के दर्शन कराता हूं। जो मंदिर है काशी करवत का उसके दर्शन कराता हूं। पहले मैं थोड़ा सा जल स्पर्श कर लूं। तो गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बनारस के गंगा घाट पे जो मौजूद काशी करवट नाम से मशहूर है, और इस मंदिर का मैं भीतरी नज़ारा बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक जाऊँगा बिल्कुल दिखाऊँगा आपको, और मैं दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए पूरा इस प्रकार का नज़ारा है काशी करवट का। और मैं अभी आपको अंदर दिखा देता हूँ, कुछ लोग देख रहे हैं और किस प्रकार से इस पर भी नक्काशी की गई है। हमारा चैनल पूरा कोशिश करेगा आप सभी को लोगों को दिखाने का, और महादेव का मंदिर बिल्कुल नज़ारा देख लीजिए आप काशी करवट के मंदिर के प्रांगण में बीच में बिल्कुल ऊपर का दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसमें भी कितनी प्रकार की नज़ारा की। और हम मंदिर के ऊपर ही प्रांगण में है, इसके बिल्कुल यहाँ पे मंदिर है, तो किस प्रकार का कैसे हुआ था बाबा ये? भैया हम से जानकारी के बाद जाने काशी करवट यही मंदिर हो, अभी बनल कितना दिन से शायद बाबा विश्वकर्मा जी आके बनोले रहना की के बनोले रहना के बता सकते घटना की यही है काशी करवट। तो इसके नीचे भी बहुत होगा। हाँ, इसके नीचे, है। इसके नीचे है। अच्छा 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 इसमें पूरा रूम पड़ा हुआ है। हाँ, ये रूम पटा हुआ है सिर्फ ये बरसात के लिए। अच्छा की वजह से ये अच्छा बारिश पर पानी भर जाता होगा ना, उधर ऊपर तक पानी भर जाता है। ये भी ढक जाता है, ये तो कहीं बहाव से, ये सब पानी से तो ढका हुआ था ना, ये बहाव से जो बढ़ते गया है ठीक है, और नहीं तो ये भी भटा रहता। अच्छा
तो गाइस व्यूअर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मंदिर का बिल्कुल मैं अंदर का भाग दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसके नीचे भी मंदिर है और मैं आप इसमें कितनी अच्छी से नक्काशी की गई है, दरवाजा का सीन पा रहे हैं, दरवाजा के ऊपर में जो है जी ये सीन दरवाजा के ऊपर का है। अच्छा, दरवाजा यहाँ से इसे कटा हुआ है और ये दरवाजा के सीन का ऊपर का है। हाँ, ये ऊपर का भाग है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल हम लोग ऊपर हैं इस मंदिर के, इस मंदिर के बहुत मंदिर नीचे बहुत ऊपर। तो भाई साहब देख लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बताया कि ये मंदिर के ऊपर वाले भाग पे हम लोग हैं और यहाँ से बहुत ही, ये बिल्कुल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये नीचे का इसका बहुत बड़ा भाग है, मंदिर के ऊपरी हिस्से पे हैं हम लोग। तो हमारा प्रयास रहेगा पूरा मैं अच्छे से अच्छा आपको व्यू दिखा सकूँ। अरे कलाकारी देखा तो कितने कितना आज कहा जरूरत हो ना, पिंड को जरूरत हो कितना तफसील हुआ है सदियों के, काशी करवत वाराणसी गंगा घाट करवत है, उनका दर्शन किया और यहाँ पे देखिए लोग जो भी दाह संस्कार करने के लिए आते हैं लोग परिजनों के बाद यहाँ पे स्नान करते हैं और स्नान दान यहाँ करते हैं। सिंधिया घाट है, मणिगंगा घाट से आने के बाद यहाँ पे लोग स्नान दान करते, देखिए किस प्रकार से लोग अपना स्नान करते हुए सारे परिजन जिनके यहाँ भी मृत्यु होती है दाह संस्कार करने के पश्चात यहाँ पे आके स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। यह सिंधिया घाट काशी करवत के जस्ट बगल में ही है और ये गौ माता भी खड़ी हैं यहाँ पे, इनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, सुंदर अद्भुत नज़ारा, कलकल बहती धारा और मध्यम मध्यम से हवा चल रही है, सुंदर अति सुंदर। तो गाइज जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एक सवाल की तलाश में हैं, तो सवाल का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है उसका उत्तर खोजना बहुत ज़रूरी है और आप देख सकते हो शायद एक सामने बाबा जी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि बिल्कुल वो हमारे सवालों का जवाब दें, जरूरी है जानकारी लेना। और वो महात्मा जी बैठे हुए नज़र तो आ रहे हैं, प्रयास करता हूँ कोशिश करने को और आपको दिखाता हूँ कि शायद बाबा जी हमें कुछ बता सके, महाराज जी कुछ हमें बता सके जो हमारा सवाल था। तो आइए हम जानकारी के लिए उनसे कुछ बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं आपको, संपर्क कराते हैं, महाराज जी हैं। तो गाइस आप देख सकते हो आपने दर्शन किया केदार घाट का, जो केदार यहाँ पे जो हैं और उसके बाद यहाँ पे जो काशी करवत है उनका दर्शन किया और यहाँ पे देखिए लोग जो भी दाह संस्कार करने के लिए आते हैं लोग परिजनों के बाद यहाँ पे स्नान करते हैं और स्नान दान यहाँ करते हैं। सिंधिया घाट है, मणिगंगा घाट से आने के बाद यहाँ पे लोग स्नान दान करते, देखिए किस प्रकार से लोग अपना स्नान करते हुए सारे परिजन जिनके यहाँ भी मृत्यु होती है दाह संस्कार करने के पश्चात यहाँ पे आके स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। यह सिंधिया घाट काशी करवत के जस्ट बगल में ही है और ये गौ माता भी खड़ी हैं यहाँ पे, इनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, सुंदर अद्भुत नज़ारा, कलकल बहती धारा और मध्यम मध्यम से हवा चल रही है, सुंदर अति सुंदर। तो गाइस जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एक सवाल की तलाश में हैं, तो सवाल का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है उसका उत्तर खोजना बहुत ज़रूरी है और आप देख सकते हो शायद एक सामने बाबा जी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि बिल्कुल वो हमारे सवालों का जवाब दें, जरूरी है जानकारी लेना। और वो महात्मा जी बैठे हुए नज़र तो आ रहे हैं, प्रयास करता हूँ कोशिश करने को और आपको दिखाता हूँ कि शायद बाबा जी हमें कुछ बता सके, महाराज जी कुछ हमें बता सके जो हमारा सवाल था। तो आइए हम जानकारी के लिए उनसे कुछ बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं आपको, संपर्क कराते हैं, महाराज जी हैं। जैसा कि आप था हमारे जो वीवर थे उनकी सवाल को जो जवाब देने के लिए हम बनारस घाट पे हैं, वीवर्स ने पूछा था हमसे कि क्या हाल फिलहाल महादेव को घाट पे देखा गया है और इस बात की कितनी सच्चाई है क्या है, और ये हम जानते हैं कि बात
महात्मा जी हमें मिले हैं और इनसे हम जानकारी थोड़ी सी इनके कृपा होगी हमारे ऊपर कि ये हमें थोड़ा सा जानकारी दें। भाई महाराज जी, हम चैनल हमारे यूट्यूब पे चैनल है और हम लोगों के बारे में बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लोग बनारस के बारे में अभी हाल फिलहाल हमारे व्यूअर्स ने पूछा हमसे कि महादेव जोशी शंकर उनको हाल फिलहाल घाटों पे मनुष्य रूप में घूमते हुए दिखाई, तो क्या इसका क्या तथ्य है कुछ आपके जुबान से हम जानना चाहें, क्योंकि व्यूअर्स हमारे बराबर पूछते रहते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला देते हैं लोग, तो हम उस भ्रांतियों को कि जो भी लोग इस तरह से कुछ कर रहे हैं वो ना उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली बात तो आप उन लोगों से ये पूछिए कि उन्होंने महादेव को किस रूप स्वरूप में देखा, कब देखा, दिन में देखा, रात में देखा, सुबह देखा, शाम देखा, और वो धोती कुर्ता पहने थे कि लुंगी कुर्ता पहने थे, कि वो बाघंबर पहने थे, कि वो दिगंबर स्वरूप में थे। हम जहाँ तक समझते हैं कि ये जो सूचना फैलाई जा रही है इसका पता नहीं क्या कारण हो सकता है। ये प्रश्न भी आप जो हमसे कर रहे हैं हम पहली बार इस बात को सुन रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि जिस बात को आप कह रहे हैं उसमें तनिक भी सच्चाई है। स्कंद पुराण में तो लिखा हुआ यदि काफी यदि यदि जो है आप ये देखें, अगर हम लोग ये देखना शुरू कर दें कि हर पुरुष देव है और हर स्त्री जो है वो देवी है और हम अपने कर्तव्यों से अपने कर्मों के द्वारा जो है एक पुरुष जो है वो पुरुषोत्तम बन सकता है, एक नर जो है वो नरोत्तम बन सकता है और आप भी हम भी हर कोई जीव मात्र जो है वो अपने कर्मों से देव बन सकता है, महादेव बन सकता है। देव महादेव में बहुत अंतर नहीं है, ये एक बड़ी उपाधि है और देवों के देव महादेव इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने विष धारण किया था और इस बात में हमको तनिक भी सच्चाई नहीं लगती है कि बाबा भोलेनाथ जो है सड़क पर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे थे वो, बगीचे में घूम रहे थे या नाव पर घूम रहे थे या घाटों पर घूम रहे थे या किस घाट पर पाए गए, उन्होंने किसी से बात किया कि नहीं किया, कुछ दिया लिया कि नहीं दिया लिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है और हम समझते हैं कि ऐसे भ्रामक प्रचारों को रोका जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सब ने देखा जो हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन पे महाराज जी ने कितना सटीक उत्तर दिया है और सच में बात यह है कि क्या इसमें सच्चाई कितनी है उनकी जुबानी आप लोगों ने सुन लिया। तो कृपया करके अगर ऐसी कोई बात आपसे कुछ कह रहा है कुछ इस प्रकार से तो इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें और किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ना हो कि किसी के मान सम्मान को हानि पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका जो क्वेश्चन था मैंने इसका जवाब दे दिया। हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के, क्योंकि स्पष्टता के साथ मैंने जवाब दिया, वो भी महाराज जी हैं यहाँ पे, उनको उनके थ्रू हमने बताया आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। तो पानी में कितना लप लप उठावत है, गाइस वीरेंद्र पक्षी या जो इस समय गंगा घाट के पास आसपास देखिए किस तरह से चारा खाने के लिए जो हैं आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं कितना ये अटकेलिया करते हुए और किस प्रकार से ये बिल्कुल बढ़िया से खेल रहे हैं और अपने चारे को
लेने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा, सुंदर नज़ारा, अति सुंदर बनारस गंगा घाट के किनारे ये नज़ारा भव्य है। आप सभी लोगों के सामने मेरे चैनल न्यू अमित में आप देखें इसको, कृपया एंजॉय करें। इसीलिए मैं आपको हर एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय करिए इसको, देखिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा बाबा जी ने किस तरह से स्पष्टीकरण दिया, तो लक्ष्मी महादेव जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जवाब, सवाल का जवाब तो बिल्कुल मिल ही गया होगा, क्योंकि इसलिए मेरी जुबानी नहीं थी, मैं भी इन्हें नहीं जानता, और मैं इसलिए घूमते हुए इनसे पूछा, सवाल किया, और उन्होंने बहुत सटीकता से इस चीज़ का उत्तर दिया, और बहुत अच्छा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे मैं आपको दूर तक दिखा रहा हूँ रविदास मंदिर, वहाँ तक मेरी यात्रा है, गंगा घाट की है, मैं दिखाता हूँ इस पार्ट में, और आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल नियम अमित के साथ, और बहुत जल्दी हमारी भव्य गंगा आरती जो है आपके सामने लेके आएंगे हम, और पूरी की पूरी आरती आपको दिखाएंगे, दशाश्वमेध घाट की आरती। तो आइए चलते हैं, फिलहाल अभी घूमते हैं, आगे का नज़ारा देखते हैं, आप सभी लोगों को दिखाते हैं। वो यहाँ पे देखिए, जब गंगा आरती होती है तो यहाँ पे जो पंडित पुजारी लोग होते हैं यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे दीपदान के लिए बने हुए हैं, दीप जलते हैं, और ये गणेश घाट। एक चीज़ है कि आपको अगर यहाँ घाटों पर घूम रहे हैं तो आपको सारी नाश्ता पानी खाने पीने की जो फास्ट फूड आइटम है वो सब मिलता रहेगा, और बिल्कुल नक्काशी पहले के ज़माने की बनाई हुई, राजा महाराजों के समय की, 700 800 साल, हजार हजार साल पुरानी शिलाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए, बराबर जब भी आते हो यहाँ पे हमेशा 12 महीने घर पर्यटक आते रहते हैं, इंडिया से, फॉरेन से, हर जगह से लोग आते रहते हैं, और बहुत बढ़िया सुंदर ही अद्भुत कहा जाए, क्योंकि मेरा भाग ही अद्भुत दिखाना आपको, हमारा चैनल हमेशा आपको अद्भुत ही चीज़ें दिखाएंगा, जो भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, दुकान मंदिरें हैं, जो भी हैं, सब कुछ हम चाहेंगे आपको दिखाना। बनारस की हर एक घटा को मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए किस प्रकार से पहले के ज़माने में सीढ़ियाँ घाटों से ऊपर जाने के लिए बनाई जाती थी, आप देख सकते हो कितनी ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ ऊपर तक गई हुई हैं, और हर एक लगभग घर के आसपास आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए राजा ग्वालियर घाट के पास, अगर आप माँ मंगला गौरी के दर्शन करना चाहते हो तो ये रास्ता है। आप देखिए ये बिल्कुल एरो बना हुआ है, सीढ़ियाँ जा रही हैं बिल्कुल माँ मंगला गौरी मंदिर के जाने का मार्ग। माँ मंगला गौरी गविस्तेश्वर सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती है, और ये बिल्कुल मंदिर के पास जाएगी, और ये ऊपर सीढ़ियाँ देख रहे हैं आगे का। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। पहले के ज़माने के बने हुए कितनी नक्काशी की गई है, बलुआ पत्थरों से बना हुआ आप देख सकते हो पंचगंगा, और ये नाविक पर्यटकों को घुमाते हुए, और ये फॉरेन कस्टमर कुछ निहार रहे हैं कलाकृति को बिल्कुल। और कितना ऊंचा है मकान देखिए आप गंगा घाट के पास। और आप देख सकते हो बहुत ही पुराना, ये राजा जी के समय का ही लगभग बना हुआ, जबकि काशी नगरी बसी हुई है। आइए गाइस आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और भी घाट, जो भी मैं आगे आपको दिख रहा होगा कैमरे में वहाँ पे बिल्कुल वो राजघाट का पुल है जो चंदौली और वाराणसी को, जो डिस्ट्रिक्ट चंदौली है और जो ज़िला वाराणसी है, पहले एक ही था, अब बिल्कुल बन चुका है, ये अलग अलग हो चुका है। तो उधर का भाग जो राइट साइड में आप देख सकते हो जो पुल के उधर दिखाई दे रहा है, वो आपको
चंदौली का हो जाएगा और इस साइड में हम बनारस में खड़े हैं। कुछ हद तक एरिया जो होता है वो रामनगर जो तक का जो मैंने किला दिखाया था वो तक तो बनारस में ही आता है, उसके जस्ट आगे बाद चंदौली जिला स्टार्ट हो जाता है। तो आइए आपको दिखाता हूँ, थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ, फिर मैं पास चलूँगा, पुल को भी पास से दिखा दूँगा आपको कि आप पुल का भी नज़ारा देख लो। वो सामने बिल्कुल जो मैं दिखा रहा हूँ वो पुल है राजघाट का, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मालवी पुल है, बहुत पुराना, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसकी मरम्मत भी लगभग की जा रही है, की गई अभी हाल फिलहाल में ही, क्योंकि 100 से ज़्यादा साल हो गए हैं उस पुल को। जो ब्रिज है आपके सामने दिखाई दे रहा है, चलिए आगे दिखाते हैं। और देखिए किस प्रकार से नक्काशी की गई है यहाँ पे मंदिर के पास, जो ऊपर देखिए कितने पुराने मजार जो है ये मकान बने हुए हैं, और ऊंची सीढ़ियाँ हैं, बहुत जर्जर हो चुका है मकान, फिर भी देखिए आप कितना बढ़िया अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा सभी लोगों को पास। चलाओ और ये दुर्गा घाट है, इसको घाटों की नगरी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, बनारस घाटों की नगरी है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा बहुत ही नज़ारा। और आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आगे आपको मैं दिखाऊंगा संत रविदास मंदिर जो राजघाट के पास है, और आगे का नज़ारा आप सभी लोगों के सामने। और ये घाटों पे बहे तेरी निर्मल धारा का एक स्लोगन लिखा हुआ है बिल्कुल, और ये घाटों पे इन्होंने लिख रखा हुआ है और कलाकृति को ऊपर, तो कितना कलरफुल इन्होंने दीवार को कर दिया है, जिससे बहुत ये दूर से गंगा उस पार से बिल्कुल देखने में जो उस पार दिखाई दे रही नाव उसके उस साइड से देखने में बहुत ही भव्य नज़ारा इसको दिखाई देता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है दूर से ही दिखाई देता है और बहुत कलरफुल। ये आप सभी लोगों के सामने बनारस के अद्भुत घाट, कलाकृति तो खूब ढेर सारी बनी पड़ी हैं। और ये देखिए मछली का आकार भी दीवालों पे पेंटिंग की गई है, जब ये लाइट जलती है ना ऊपर देखो लाइट लगी हुई लाइट जलती है तो बहुत खूबसूरत नज़ारा रात में यहाँ बिल्कुल देखने को मिलता है। और नेक्स्ट मैं जब मेरा आरती वाला सेशन आएगा, आरती वाला दिखाऊंगा मैं गंगा घाट की, दोसा सुमेर घाट की विश्व प्रसिद्ध आरती, उसमें मैं प्रयास करूंगा आपको ये सीन भी दिखाऊंगा जब लाइट होती है तो गंगा किनारे ये कैसा दिखता है, ये अद्भुत पेंटिंग जो की गई है और ये लाइट जो लगी हुई है, प्रयास मेरा रहेगा बिल्कुल दिखाने का। और चलिए दोस्त आगे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो गंगा को बिल्कुल मैं किनारे से दिखा रहा हूँ और ये धारा इनकी बह रही है, आप इस लहर को महसूस कर सकते हो कि देखो किस प्रकार से धारा जो बह रही है बिल्कुल कलकल करती हुई जा रही है बिल्कुल आपके सामने। ये देखिए कितना शांत भाव से गंगा लेकिन बह रही है तेजी से, स्वभाव इनका शांत है बट बह रही है लगातार, और कहीं ना कहीं जीवन का एक उद्देश्य समझाती हैं हम मनुष्यों को समझना चाहिए, क्योंकि इनका काम लगातार कंटिन्यू, पता नहीं पुराण काल से ही ये इनका कहावत धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया है, जब वहाँ से गंगा को लाया गया था भागीरथ ने जब पृथ्वी पर लाया था तब से लेके अभी तक ये लगातार बह रही हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें संदेश देती हैं कि ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा लगातार लाख परेशानी कठिनाई आने के बाद भी आदमी को चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और इसी पर कहावत ही बनी ये चलती का नाम जिंदगी ही होता है। चलिए गाइस आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए पहले के जो पेड़ थे वो इसमें से पेड़ हो गए थे और तो उसको काट दिया गया है बिल्कुल और इस तरह से बना दिया गया है,
कि ठीक ठाक लगे देखने में, और इसमें लाइटिंग भी लगी हुई, लाइट ही चलती तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और आप सभी लोगों के सामने भव्य घाट, और ये गाइस लाल घाट, अगला घाट ये लाल घाट है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें संत रविदास जी का जो मंदिर है वहाँ तक जाना है, मैं वहाँ तक आपको दिखाऊंगा कि जहाँ तक घाट है बनारस का, सब आपको नज़ारा दिखाते हुए हम लोग चल रहे हैं। गाइस हनुमान गढ़ी घाट के आगे आगे जो दिख रहा है बिल्कुल वो गाय घाट है, वहाँ भी आपको हम दिखाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा सारे जितने घाट हैं यहाँ बनारस का आपको दिखाने का। अब देखिए और बिल्कुल एंजॉय करिए, बनारस की संस्कृति को समझिए, देखिए कितनी अच्छी संस्कार और यहाँ संस्कृति जो होती है, कितना कल्चर है। तो गाइस गाय घाट आ गए हम लोग, और यहाँ पे आप देख लीजिए गाय घाट यूँ ही नहीं है, यहाँ गाय की एक मूर्ति भी बनाई गई है, बिल्कुल गाय घाट की एक मूर्ति भी बनाई गई है। और ये देख रहे हैं आप जो ये शिला रूप में दिखाई दे रही है, यहाँ पर जब आरती होती है ना तो पूरे में दीपक जलाया जाता है, और इसमें चारों तरफ ऊपर तक दीपक लगाई जाती है, और आपको दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक से। और इस प्रकार से ये गाय घाट का नज़ारा वाराणसी। तो गाइस देख लो, जैसा पीछे घाट पे भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था नाव की मतलब मरम्मत और नया बनाया जा रहा था, यहाँ भी देखिए एक प्रकार की नाव जो है इसको बनाया जा रहा है। और ये त्रिलोचन घाट आप देख सकते हो, त्रिलोचन घाट के पास हम लोग हैं, और आगे हम ब्रिज के पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ये सीढ़ियों से उतरते हुए। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई हैं, और पत्थरों की है, ठोस पत्थर, बहुत सारे बलुआ पत्थर भी लगे हुए हैं, ठोस पत्थर भी हैं। और सीढ़ियों से होते हुए हम सभी लोग आपको आगे का नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये आपके सामने गोला घाट पे हम पहुंच चुके हैं, और गोला घाट पे बच्चे देखिए किस तरह से पतंग उड़ा रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार अभी हाल में ही बीता है, और यहाँ पे लोग बच्चे अपने टाइम में बिल्कुल पतंग उड़ाते हुए। और आगे वो मैं ब्रिज को बता रहा था, वो बिल्कुल व्हर्लपूल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वाराणसी और चंदौली को जोड़ता है, और बिहार तक को जोड़ता है वो आपके सामने। तो गाइस अब देख सकते हो आगे जो बनारस घाट की यात्रा थी अब समाप्ति की ओर है, और मैं जल्द ही आपको रविदास मंदिर दिखाऊंगा जो यहाँ पे प्रसिद्ध है घाट पे, संत रविदास जी का। चलिए दिखाते हैं आपको, ये आपके और ये आपके सामने तेलियाना घाट, आपके सामने बिल्कुल वहाँ पे लिखा हुआ है ये तेलियाना घाट है। और आगे की तरफ सामने आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, और हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस हम लोग धीरे धीरे गंगा की पावन घाट की यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में या आप यहाँ आ सकते हो प्रहलाद घाट के पास अभी हम हैं, प्रहलाद घाट। और यहाँ पे मंदिर भी है, शीतला माता का मंदिर यहाँ पे है, आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हो शीतला माता का। शंकर जी का भी मंदिर है इसके अंदर, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और प्रहलाद घाट और आगे अंदर शीतला माता का मंदिर। चलिए गए जाके चलते हैं। और ये लगभग निषाद घाट है, आगे देख पा रहे हैं आप तो ये रानी घाट,
करना जा रहा है। और आपको जो सामने बिल्कुल वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, अभी हम पास चलते हैं, वही रविदास मंदिर है। चलिए मैं वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये गाइज पंचअग्नि अखाड़ा घाट है। तो गाइज आप देख सकते हो ये है संत रविदास जी का मंदिर। जो ये राजघाट जो मैं आप सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, इस ब्रिज के बिल्कुल ये है राजघाट के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे इस संत रविदास शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर राजघाट, आप आओ तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। बिल्कुल भव्य मंदिर बना हुआ है राजघाट का और बहुत ही अच्छा नज़ारा। हाय गाइस, कैसा लगा आप सभी लोगों को बनारस की घाट की यात्रा? तो ये आप पीछे देख सकते हो, ये जो रविदास मंदिर है यहीं पे तक हमारा जो घाट का था, अस्सी घाट से लेके मैंने राजघाट तक आपको पूरा व्यू दिखाया। और हर एक घाट के बारे में मैंने आपको धीरे धीरे दिखाते हुए चला। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हुई लेकिन आपको पूरा पूरा नज़ारा देखने को मिला, बहुत खुशी है। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो क्वेश्चन था, जो कमेंट आया था, उसका क्वेश्चन का जवाब भी हमें लगता है कि लक्ष्मी महादेवी जी को मिल गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अगला हमारा चरण, अगली जो ब्लॉग है, अगली यात्रा जो हमारी है वो सारनाथ की है। सारनाथ, विश्व प्रसिद्ध सारनाथ जो बनारस में मौजूद है, हम दिखाएंगे पूरा वहाँ का व्यू। और आपको सारे एक चीज़ से बुद्ध जी के, महात्मा गौतम बुद्ध की हर एक जीवनी से लेके मैं वहाँ तक की बात करूँगा और आपको एक एक व्यू दिखाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। न्यू अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता है, हमेशा स्वागत करता है और करता रहेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।